एक बार फिर से सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर जनपद बहराइच से है, जहां महसी इलाके में खूंखार शिकारी भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ वन विभाग की टीम भेड़ियों को पकड़ने के लिए सभी जुगत अपना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नरभक्षी भेड़िया हमला करने पर आतुर नजर आ रहा है। आज फिर एक बार नरभक्षी भेड़िया ने दो लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें 8 वर्षीय बालक एवं 55 वर्षीय वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां पर दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। भेड़िए के आतंक से तकरीबन 50 गांव के लोग आतंकित हैं। ये भेड़िया कब पकड़ा जाएगा, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं ग्रामीणों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, सुनिए। क्या नाम है आपके बच्चे का? बारस। आप, क्या हुआ है बच्चे को? कौन जानवर हमला किया है? भेड़िया। कैसे? 1:30 बजे रात में सोत रहे चारपाई पर, और आओ गर्दन पकड़ ली इसी के, तो यू बिल्टा पहुड़ा रहा इससे पेट को, यहाँ तो यू पार्टी पकड़ ली दौड़ के, तो यू अपनी लंका खींचे, वो अपनी लंका खींचे, जो हम जान पाए तब चिल्लाए हैं उनको बनी के, तब वो भाग। आप लोगों ने देखा उसको? हाँ देखा। इससे पहले भी कभी आपके गाँव भेड़िया आया था? और हमका नाम मालूम। बेटा क्या नाम तुम्हारा? पारस। कैसे, कौन से जानवर ने हमला किया तुम्हारे ऊपर? भेड़िया। कैसे हमला किया? रात वाला अब हम सब सोच रहे हैं, हम लोग खुला रहा है, सुना लगा पल्ला, अब हम लोग गर्दन दाब ली, वो अपने रंग भेड़िया खींचे, वो अपने रंग खींचे, भाला करना था भाग हो गई, पता नहीं क्या होते थे। तो देख पाए रहा होगा? हम देख क्या रहा हूँ। अच्छा अच्छा, घायल हो गया रहा। ठीक, डॉक्टर साहब आपके यहाँ दो मरीज ऐसे आए हैं जिनके ऊपर किसी जानवरों का हमला बताया जा रहा है, उनका कहना यह है कि भेड़िए ने हमला किया है, आप इलाज कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ये मैं पेशेंट के अटेंडेंट के अकॉर्डिंग वो लोग कह रहे हैं, पर लेसरेटेड और सिंपल इंजरी है, पेशेंट जो है खतरे से बाहर, उसका प्राइमरी उपचार किया जा सकता है, उसके ARVs के इंजेक्शन लग चुके हैं और TT डाइक्लोरेंटेक और एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, पेशेंट खतरे से बाहर। लेकिन आपको ये लगता है कि ये हिंसक जानवर का हमला हो सकता है? मेबी, जैसा यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स में चल रहा है और वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, पीछे PSCs लगी हुई हैं और हमारी भी आशाएं NM लगी हुई हैं, आदमपुर भेड़िया का कहर है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राम सहारे। ये कौन है आपके जिनको जिनको कौन से जानवर ने मारा है? अब साहब जो उन्हें बाथरूम करे गिर रहा है, बाथरूम करके घर का घर में जैसे एक पल्ला खुला पड़ रहा है, बस अपने पल्लका पर ही बैठे वह तमाकू मलत रहा, तब तक को पहुंचा जहां मदे में नट्टी पकड़ी, जब इनकी नट्टी पकड़ ली तभी थोड़ा मैंने दृढ़ है, देहिम तो हल्के फुल्के हमला, बस मैंने देहिम से थोड़ा ज्यादा दृढ़ है, बस तुरंत जब नट्टी पकड़ी तो बस इनका झिटके से इतना बस ये बोल ना पे, मतलब अपने हाथे से वो जबड़ा वो थोड़ा ढील किन, दो तीन मिनट तक इनसे हमला हुआ है, उसके बाद है भाग भाग लिए, तो हम लोग छत पर से उतरे हैं, तब हल्ला गुल्ला किया, भाग चला गया। उसका जबड़ा पकड़ के छुड़ाया है? हाँ, इतना मुंह वो करी नहीं, हाथे से खींची नहीं, जब मुंह दबा तब अपने जू जा रहा तो का करी, कुछ मुहिम हाथे में आएगा, हाथ में आएगा तो ये उकरी नहीं, दो तीन मिनट तक हमला हुआ तब वो भगा है वहां से नहीं, तब तक चिल्लान गल्लान, तो हम सब छत पर, हम छत पर से उतरे, हमारे गाँव से उठा, बगल में एक अंदरौरा दुबहा हुआ, एक दिन घर में घुसा जाए तो सब जागत रहा, तो हुओं से भाग लीजिए ना उपाय लागे। आपको कैसे पता चला कि ये भेड़िया है? भेड़िया हम लोग देखा गया है, भेड़िया है हम लोग खुद, पहली बार थोड़ा, कई बार हमारे गांव में घुसा है, कई कांड हो चुके हैं, एक लड़का कहा जो उन्हें पकड़ी से वह जो उन्हें बिल्कुल जख्म हुए, मेरे लड़के मेरे जख्म हुआ है, वह ही अस्पताल में। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।